हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आप सोच रहे होगे आज कहाँ गई हैं ये मैडम साड़ी पहन के, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने आज साड़ी पहना हूँ। मैं हम जब भी साड़ी पहनती हूँ आप लोग को जरूर दिखाती हूँ। ये देखिए ये, और ये साड़ी मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये जो कलर है ये वाइन कलर है, और वाइन कलर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मतलब बहुत एकदम से उठ के दिखता है। तो मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी कमेंट करके बताना दोस्तों, है ना? कई लोगों को तो मैं बुरी लग रही होंगी मुझे मालूम, अभी आ जाएंगे कमेंट करने के लिए यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, देखो किसी को अच्छा लग सकते हैं, किसी को बुरा लग सकते हैं, सबको तो हम थोड़ी अच्छे लगेंगे ना। कोई भी इंसान किसी को, मतलब सबको अच्छा नहीं लग सकता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना? कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ को उसकी आदतें अच्छी लगेंगी तो कुछ को उसकी आदतें अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अब पॉइंट पर आते हैं। ये सब तो हो गई है फालतू की बातें, है कि नहीं? तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं, समझ जाओ किसके लिए बोल रहे ना, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं तो शेरनी हूं। अरे भैया मान लिया तुम शेरनी हो, हम लोग सब मानते हैं तुम शेरनी हो, है ना? कोई भी ऐसा नहीं मानता कि तुम शेरनी नहीं हो, और हम सब मानते हैं हम गीदड़ हैं। हम गीदड़ हैं भैया, गीदड़ हैं, लेकिन तुम शेरनी हो ना। देखो मैं बता दूं, तुम शेरनी हो ना, और तुम सबका नाम डंके की चोट पे लेती हो। तो मेरा नाम भी ले दो ना एक बार, प्लीज फिर से ले दो यार एक बार, और है ना जैसे पहले लिया था इस बार भी ले दो। और भी लोग हैं गीदड़ लोग, बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना? हम सब गीदड़ के उसमें आते हैं ना, तुम ही शेरनी हो, तो बहुत सारे गीदड़ हैं, उन सबका तू नाम लेके बता, है ना? जैसे अब देखो तुम तो शेरनी हो ना भैया, हम तो गीदड़ है, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो गीदड़ है भैया। तुमने तो डंके की चोट पे बोला है कि हम तो शेरनी हूं, मैं अकेली आती हूँ अपनी पैनल पे, तुम सब गीदड़ हो, है ना? भैया हम तो गीदड़ है, हम तो 10 बार बोलेंगे हम गीदड़ है गीदड़ है गीदड़ है, तुम शेरनी हो, है ना? तुम बहुत अच्छे से पुकारती हो, है ना? हम लोग डर जाते हैं बहुत तेजी से, इतना डर जाते हैं कि हे भगवान अब क्या होगा हम लोगों का, है ना? तो भैया अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम तो सबको चैलेंज करती हो, तुम शेरनी हो तो कल के वीडियो में, जैसे ये वीडियो तुम देखती हो कि मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ, जैसे तुम ये वीडियो देखोगी तुम तुरंत मेरा नाम लेना, है ना? मेरा भी लेना, और जो और गीदड़ है ना तुम जिनसे ग्रसित हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे से ग्रसित हो और भी लोगों से ग्रसित हो, उन सबका नाम लेना। यदि तुम नाम लेती हो और टैग करती हो हम सबको, मान जाएंगे कि तुम शेरनी हो। बस एक बार नाम ले लेना यार, सावन देखी औरत है, इतने सारे सावन देखे, छिलका आज पता है बहुत सारे छिलके उड़ रहे थे जब हम गणेश जी विसर्जन करने गए थे, रस्ते भर तक छिलके ही छिलके उड़ रहे थे, है ना? बहुत मजा आ रहा था उन छिलकों को देख के, और किसी की मुझे याद भी आ रही थी, मिस यू छिलका, आई मिस यू सो मच यार, है ना? तुम यहाँ वहां क्यों उड़ती रहती हो, थोड़ा सा शांति से बैठा करो, है ना? और तुमने मुझसे बोला है कि तुम नाम लेके बताओ, है ना? ये भी बोला है तुमसे कि तुम नाम लेके बताओ, मैंने बोल दिया कि मैं गीदड़ हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली है, पहले मैं उनसे बात कर लूँ, है ना? तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे वेल विशर हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ कि मैं इसको टैग करूं कि नहीं करूं, इसका नाम लूं कि नहीं लूं, क्योंकि यार मुझे बिना मशवरा करे मैं किसी से भी मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अपना सारा काम अपनी YouTube फैमिली से ही बात करके करती हूँ, सारे सब्सक्राइबर से बात करके करती हूँ। तुम्हारे जैसे थोड़ी है मेरे सब्सक्राइबर के आके मुझे गाली दे के जाए, तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर तुम्हें गाली देते हैं। तुम्हारी अभी तुमने देखा होगा हम आए थे लाइव, डंके की चोट पे आए थे अभी लाइव, है ना? आए थे ना, मजाले एक गंदा कमेंट आया हो हमारे लिए, हमारी लाइव में तो कोई नहीं भी गंदा कमेंट नहीं किया, खुद की लाइव देख लो, डेली जो आके बैठ जाती हो भौंकने के लिए, भौं 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 ऐसे ही भौंकती हो ना क्यों?
उसमें कितने लोग गंदा गंदा कमेंट करते हैं, है ना? कुछ फैला क्या? नहीं फैला, नहीं तो फालतू की बद्दुआएं दे रही हो ये और तो सुन लिया ना, मेरा चैनल, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया तुमने? ये वीडियो देखने के बाद तुम मुझे टैग करना और मेरा नाम लेना, शेरनी। तुम तो शेरनी हो ना, इसलिए तुम नाम लेना, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को, पता, जब नाम लोगी तो। प्यार से लेना यार, हम लोग कितने प्यार से तुम्हारा नाम लेते हैं, कितना मिस करते हैं पता है हम तुमको, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, हर चीज मिस करते हैं यार। काश तुम अच्छी होती, हम लोग के साथ होती, कितना अच्छा होता, है कि नहीं? और तुम अकेली शेरनी, हम सारे गीदड़, ऐसा तुम सोचती हो ना, सोचती हो तो सोचती रहते हो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना? किसी की सोच को दोस्तों हम नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं। सबका अपना सोचने का नजरिया है ना? अब तुम क्या सोचती हो वो तुम जानो, वो दिख भी रहा है लोगों को कि तुम्हारी खुद की कितनी घटिया सोच है ना यार। और रहा भाई, है ना, बोल रही कि भाई से बात कर ली तो भाई का बुला दूंगी, तो तू डर के रह जाएगी, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। तो सुन, है ना, मेरा भाई मेरे साथ था, है वो, जिसके जिस कुत्ते के साथ तू मिल गई है ना, है ना, वो कुत्ता तेरे आके आके मिलके तेरे से भौंकता है पूरी चीजें मेरे बारे में, तो उस कुत्ते से पूछ लेना कि अभी उसको हैंडल कौन कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है ना, मेरा भाई मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। वीडियो में नहीं देखते हैं, बस फर्क कितना है कि वो दूसरे घर में रहता है, क्योंकि ये घर छोटा है, सिर्फ 2 से 3 कमरों का घर है, और उसने कॉलोनी में अपना नया घर बनवा लिया है ना? हम लोग मैन मार्केट में रहते हैं, वो कॉलोनी में रहता है ना? और वहां हम लोग इसलिए नहीं जाते कि वहां बहुत दूर पड़ता है, और सबसे बड़ी बात सुनसान रहता है, हमारी क्लासेस हैं, और हमारी क्लासेस मैन मार्केट में ही चलती है, तुम्हारे जैसे थोड़े यार की गाड़ी में निकल जाए, या कमाना पड़ता है भैया, है ना? तो आज थोड़ी गई यहाँ वहां घूम घूम के वीडियो बना रहे हैं, फालतूआ जैसे घूम रहे हैं भैया, हम लोग तो बहुत काम वाले हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम रोज आके लाइव करें, फालतू का बक 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 करें, रात को आधी रात तक लाइव करें। और एक बात तो बता यार, सच में कल तुम रो रही थी क्या? ऐसा लगा हमको, आंखें बहुत सूजी थी यार तुम्हारी, तुम रात भर नहीं रोई, सोई हो क्या? रात भर नहीं सोई, रात भर रोई होगी तुम, बहुत आंखें सूज रही थी। देखो इतना रोया मत करो, है ना, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, है ना? कौन आएगा तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए? वो तुम्हारे सड़े से सब्सक्राइबर आ रहे हैं क्या? है बताओ, तुम तो खैर शेरनी हो यार, शेरनी के आंसू पोंछने कौन आता है? और शेरनी रोती हुई अच्छी नहीं लगती है ना? हम जैसे गीदड़ लोग अच्छे लगते हैं रोते हुए, तुम तो शेरनी हो, शेरनी जैसी रहो, बोलती हो तो फिर रहो शेरनी जैसी, है कि नहीं? नहीं बोलो, नहीं तो फिर बोलो अपने आप को भी गीदड़ बोलो। और जो मैंने बोला यार, प्लीज याद रखना है, भूल मत जाना यार, तुम तो भूल जाती हो, है ना? क्यों भूलना नहीं है ना? फटाफट ये वीडियो देखते ही मुझे टैग जरूर करना, और मेरा नाम लेके, मेरा नाम बता दूं, वैसे तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि सपनों में मैं भी दिखती हूँ, तो मैं राजवीर के साथ मैं दिखती हूँ, और भी है वो सारी लेडीज तुम्हें दिखती हैं सपनों में, रात भर सपने में ये यही सोचती रहती है। अब मैं इसका क्या करूं, अब इसके लिए मैं क्या बोलूं, अब इसकी कौन सी कम्युनिटी डालूं, तो इसके लिए कौन सा शॉर्ट बनाऊं, अब इसके लिए कौन सा वीडियो बनाऊं, इसकी FIR करूं, किसको गुलदस्ता भेजूं, यार बहुत लंबी लिस्ट हो गई है तुम्हारी, पता है बहुत लंबी लिस्ट। पहले बता तो दो कैसे याद रखती हो, इतनी अच्छी याददाश्त कहाँ से पाई है, क्या खाती हो यार बता दो। अच्छा यार मुझे पता है तुम क्या खाती हो यार, वो तो हम नहीं खा सकते, छी, वो सारी चीजें हम नहीं खा सकते भैया, हम प्योर वेजिटेरियन है ना? अब तुम कहती हो कि खून से होली खेलने वाली महिला, है ना? तो सुनो ना, खून अपने ही निकलवाया था, इंजेक्शन से निकलवाया था, तुम्हारे जैसे चाकू मार मार के जीव जंतुओं को थोड़ी निकालते, है ना? क्यों
बताना यार। और बोलती है हंसती बहुत है, अब क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही हंसमुख है यार। तुम्हारे जैसे रोतलू चेहरा थोड़ी लेके आ सकते हैं। जब मुझे रोना आता तब मैं रो लेती हूँ, जब मुझे हंसना आता है तो हंस लेती हूँ। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? कितना जलती हो यार तुम मेरे से, जला मत करो, है ना? जलन अलग दिखती है यार, है ना? जलन दिख रही है, देखो। जलो मत यार, बराबरी करो, बराबरी, है ना? जलने वाली बू आ रही है मेरे को, मेरी यूट्यूब फैमिली को आ रही है जलने वाली बू। जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो फिर बोल रही हूँ, लास्ट वार्निंग दे रही, सुधर जा बेटा सुधर जा। हर वीडियो में बोलते हैं, वरना एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि तुझे अंदर की बातें अभी कुछ पता नहीं है ना, मैं बताने वाली हूँ, कि तू रोती फिरेगी और इतना रोएगी कि तेरे को रोने के लिए कोई आंसू बोलने, मतलब तेरे आंसू बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। वो तेरे जो टुच्चू पुच्चू भी है ना, वो सब भग जाएंगे तेरे को छोड़ के। आई समझ में? वैसे भी कम होते जा रहे हैं ना, जो तेरा साथ देने वाले थे ना, बहुत कम होती जा रही है तादाद, जिसका तूने ग्रुप बनाया था, सब एक एक करके हटते जा रहे हैं, क्योंकि सब तेरी औकात जान गए बहुत अच्छे से, क्योंकि बुलाती है बेइज्जती करती है, यही तो तेरा काम है। फिर जीबी रोड वाली बना देती है, खुद जा जाके दूसरों के घर में घुसती है, उनसे पनाह मांगती है, फिर उन्हीं को जीबी रोड वाली बना देती है ना? कैसे पागल हो रहा है यार तू, सच में। सुधर जा छिलकू, मेरी प्यारी छिलकू, है ना? सुधर जा बेटा, सुधर जा, सुधर जा, बहुत जरूरत है तेरे सुधरने की, क्योंकि तू बिगड़ गई है ना, तो तेरे को देख के और लोग भी बिगड़ जाएंगे यार चिल्कू। तू भले ही तू अपने आप को शेरनी बोलती है, लेकिन मुझे मालूम है तू कौन है ना, बहुत अच्छे से मालूम है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। चिल्कू मिस यू, चिल्कू मिस यू।